दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने माहौल सरकार के पक्ष में करने का बीड़ा अब अपने कंधों पर उठा लिया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी देश के 6 राज्यों के करोड़ों किसानों के साथ वर्चुअल चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। इसी को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने यह लिखा कि आज का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए काफी अहम है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को पीएम किसान की अगली किश्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इस अवसर पर कई राज्यों के किसान भाई बहनों के साथ बातचीत भी करूंगा। और दिल्ली से फोन लाइन पे हमारे संवाददाता संजय सिंह जुड़ चुके हैं। संजय, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की जयंती है, बहुत अच्छा दिन है आज देश के लिए। उनकी जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के किसानों से बातचीत करने जा रहे हैं, साथ ही किसान सम्मान निधि की जो किश्त अब दूसरी है वो भी जारी करने जा रहे हैं। तो एक बार पूरी जानकारी दीजिए, किस तरीके से आज कार्यक्रम सम्पन्न होने वाले हैं, वो 6 राज्य कौन से हैं जहाँ पे किसानों से बातचीत करने वाले हैं पीएम मोदी? जी संजय, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संजय जी संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी देश के 6 राज्यों के करोड़ों किसानों के साथ आज वर्चुअली माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। और संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय, जिस तरीके से आज 6 राज्यों से पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत करने जा रहे हैं, अगली किश्त जारी करने जा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है आज, तो वो 6 राज्य कौन से हैं जहाँ पे चर्चा करने वाले हैं किसानों के साथ? बता दें आपको, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। इस मौके पर करोड़ों किसानों से पीएम नरेंद्र मोदी आज चर्चा करने जा रहे हैं, साथ ही किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करने जा रहे हैं किसानों के खाते में। ऐसे में काफ़ी अहम दिन आज का माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, और उसके बीच किसानों से, 6 राज्यों के किसानों से पीएम नरेंद्र मोदी बात करने जा रहे हैं, साथ ही कई और जगहों से भी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और संवाद सुनेंगे पीएम नरेंद्र मोदी का किसानों के साथ। तो काफ़ी अहम दिन ये माना जा रहा है, किसानों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगली किस्त अब जारी होने जा रही है किसान सम्मान निधि के तहत। 18,000 करोड़ रुपये उनके खातों में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी। और आज का दिन काफ़ी अहम उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आज मुझे कई राज्यों के किसान भाइयों बहनों के साथ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है, और 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को पीएम किसान की अगली किस्त वो जारी करने जा रहे हैं। बता दें, देश के कोने कोने से केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज बड़ा दिन है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। उनकी जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी देश के 6 राज्यों के करोड़ों किसानों के साथ आज वर्चुअली संवाद करने जा रहे हैं। और संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज जो 6 राज्यों से पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत करने जा रहे हैं, वो 6 राज्य कौन से हैं? संजय संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आपको एक बार फिर जानकारी दे दें कि आज का दिन काफ़ी अहम है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है, और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी देश के 6 राज्यों के करोड़ों किसानों के साथ वर्चुअल चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपये भी ट्रांसफ़र करेंगे।